दिल्ली में केजरीवाल सरकार की नई मुश्किल के पीछे उसके पुराने अफसर की बड़ी भूमिका है। दरअसल इसी साल अप्रैल में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली डायलॉग कमीशन के सचिव रहे आशीष जोशी को उनके पद से हटा दिया था। अब जिस केस में सीएम के प्रधान सचिव सीबीआई के घेरे में है उसे उन्होंने ही दर्ज करवाया था। दिन भर चली छापेमारी के बाद सीबीआई दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार को पूछताछ के लिए अपने मुख्यालय ले गई। दिल्ली सचिवालय में राजेंद्र कुमार के दफ्तर के साथ ही सीबीआई ने दिल्ली और यूपी में कुल 14 जगहों पर छापेमारी की थी, जहां से कई संपत्तियों के दस्तावेज और लाखों का कैश बरामद होने की बात कही जा रही है। इन पर आरोप है कि इन्होंने वर्ष 2007 से 2014 के दौरान दिल्ली सरकार के ठेके एक प्राइवेट फर्म को आवंटित करने में अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग किया। सक्षम अदालत से वारंट मिलने पर आज दिल्ली व उत्तर प्रदेश के 14 स्थानों पर तलाशी की जा रही है। इस केस में राजेंद्र कुमार सहित कुल 6 आरोपी हैं। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के ये आरोप केंद्र के टेलीकॉम मंत्रालय में डिप्टी डायरेक्टर जनरल आशीष जोशी ने लगाए हैं। आशीष अप्रैल तक केजरीवाल सरकार के दिल्ली डायलॉग कमीशन के सदस्य सचिव वित्त थे, लेकिन उन्हें कथित तौर पर दफ्तर में सिगरेट पीने और गुटखा खाने के आरोप में इस पद से हटा दिया गया था, जिसके बाद आशीष जोशी वापस टेलीकॉम मंत्रालय में पहुंच गए। ऑफिस के बाहर मैं क्या करता हूं वो मेरी पर्सनल लाइफ है। सिगार पीता हूं, पान मसाला में तुलसी मिला के भी कभी कभी खाता हूं। आशीष की माने तो मामला न सिगार का था और न ही गुटखा खाने का। उनके मुताबिक तब डीडीसी उपाध्यक्ष और केजरीवाल के करीबी आशीष खेतान से उनकी ठन गई, क्योंकि तब उन पर आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स को डीडीसी में गलत ढंग से शामिल करने का दबाव बनाया था, जिसे उन्होंने नकार दिया था। उनको उनका ऑर्डर निकालने के लिए दबाव बना, तो वो तो बहुत ही गलत होता कि हम उनको ऑर्डर इशू कर देते उल्लंघन करके अपने ही गाइडलाइंस का। फिर आशीष जोशी ने मई में एसीबी के चीफ मुकेश मीणा से सीएम के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार की शिकायत की। एसीबी ने जांच के बाद मामला सीबीआई को भेज दिया, जो अब राजेंद्र कुमार के घर और दफ्तर में छापेमारी के बाद उनसे पूछताछ कर रही है। शिवानी त्यागी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। पिछले लगातार 3-4 महीने से सीबीआई इस पूरे के पूरे केस में ग्राउंड वर्क कर रही थी। आज सुबह से लेकर अब तक 14 ठिकानों पर रेड डाली गई है। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए सीधे चलते हमारे सहयोगी मनोज वर्मा के पास। मनोज, क्या ताजा अपडेट है और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजेंद्र कुमार जांच में सहयोग दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि राजेंद्र कुमार जांच में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि सीबीआई उनके घर से उनको अब यहां सीबीआई हेडक्वार्टर लेकर आई है। 7:58 पर उनको यहां पर लाया गया था। तकरीबन 2 घंटे अब तक हो चुके हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अभी तक भी उन्होंने अपनी ईमेल्स के पासवर्ड नहीं बताए हैं, तो लगातार उनसे पूछताछ जारी है और ये कितने घंटे तक जारी रहेगी अभी तक नहीं कहा जा सकता। उनके साथ उनकी पत्नी भी आई थी और तकरीबन 15 मिनट तक यहां सीबीआई हेडक्वार्टर में बैठने के बाद वो यहां से चली गई और उनको जो जानकारी दी गई थी उनको यही बताया गया था कि इनको कुछ घंटों की पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक यही है कि अभी तक भी वो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं और ना ही उन्होंने अभी तक कोई भी पासवर्ड अपनी ईमेल का दिया है। जी शुक्रिया मनोज, आप बने रहिए, आपके पास फिर से अपडेट के लिए लौटेंगे। अंदर की बात यह है कि इस केस में शिकायतकर्ता आशीष जोशी और केजरीवाल एक ही बैच के अफसर हैं। केजरीवाल 1992 बैच के आईआरएस यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अफसर थे, जबकि आशीष इंडियन पोस्ट एंड टेलीकॉम अकाउंट सर्विसेज कैडर के अफसर। लेकिन जोशी को इस बात का दुख है कि केजरीवाल के साथियों ने उनका अपमान किया और वो चुप रहे। दरअसल उन्हें दिल्ली डायलॉग कमीशन से बाहर का रास्ता दिखाते वक्त नियमों का भी पालन नहीं किया गया। 3 महीने के नोटिस की जगह उन्हें अचानक से चलता कर दिया गया।